अस्सलामुअलैकुम, मेरे वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। जनाब, आज के दिन मैं सुबह रिसर्च में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे वो एक होता है ना, सर्दी में बंदा ठिठरने लग जाता है, ये वो वाली एक रिसर्च थी। और हमें खबर मिली जनाब, ये बेल्जियम में एक आइस फेस्टिवल हो रहा है। ऐसे मौसम में जब आपके पास से भी कोई गुजर जाए ना और आपको ठंडी हवा लगे तो आपको सर्दी लगने लग जाती है। इस मौसम में वहाँ पर जनाब आइस फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बर्फ से तराशे जो खूबसूरत मुजस्मे भी पेश किए जा रहे हैं। हर साल ये फेस्टिवल होता है बेल्जियम में, और जिसमें गैर मुल्की और मुल्की जो भी वहाँ पे मकामी लोग होते हैं और इवन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। फेस्टिवल में बर्फ से बने तकरीबन 80 मुजस्मे रखे गए हैं, जिन्हें 500 टन बर्फ से तैयार किया गया है। इस फेस्टिवल में जितने भी लोग शरीक हुए इनसे उन्होंने ये मेंशन किया कि जो पत्थर के मुजस्मे उनको तराशने में ज़्यादा टाइम लगता है और ये उसकी निस्बत थोड़ा आसान काम है। वैसे तो हर साल ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, लेकिन इस बार ख़ास बात ये है कि इन मुजस्मों के अंदर जो है LED लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे फेस्टिवल की खूबसूरती में खासा इजाफा हो चुका है। और ये भी आपने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी बर्फ़ है, और सोचिए जो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे उनको कितनी सर्दी लगी होगी। ऐसे जो सख्त सर्दी के आदि नहीं है वो तो यहाँ नहीं जा सकते, और बर्फ़ से बनी कितनी खूबसूरत लग रही है कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। ओवरऑल टेम्परेचर भी उसी तरह से मेनटेन किया जाता है, क्योंकि जब बर्फ़ को भी डेफिनेटली मुजस्मों को फ्रीज रखने के लिए भी तो टेम्परेचर होगा। तो जनाब ये हर साल की तरह इस साल भी फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। जनाब अगली भी कुछ इस तरह से ही एक जो आर्टिस्ट है उनकी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो फलों और सब्जियों पर मुख्तलिफ तरह के फन पारे बनाते हैं जनाब। और ये दावा है इन आर्टिस्ट का कि वो खाने की मुख्तलिफ अशिया को फन पारों में ढालने वाले दुनिया के वाहिद तख्लीकार हैं, और उन जैसे फन पारे कोई नहीं बना सकता। चाहे चीज़ हो या आलू हो या तरबूज हो, वो ऐसे शाहकार बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मुझे ये पिक्चर से वाकई लग रहा है कि ये उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके तो ये बनाया हुआ है। अच्छा जनाब, उन्हें बचपन से ही वो कहते हैं कि शौक था कि वो गजाई अशिया से मुख्तलिफ अशिया बनाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस काम में माहिर हुए। लेकिन पनीर या आलू पर चेहरे बनाने के लिए वो ख़ास किस्म के जो औजार हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और पहले वो अपनी फैमिली रेस्टोरेंट में अपने घर वालों की मदद करते थे और उनके पास रंग और कागज़ की बजाय खाने पीने की अशिया होती थी। बस इसी पर उन्होंने अपने फनकारी का आगाज़ किया, और अब तक वो दुनिया में तरबूज से तैयार करदा सबसे बड़ा शाहकार तख्लीक करने का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। और इवन जो ट्राइफल आप खाते हैं वो ट्राइफल, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फनकारी दिखाई हुई है अपनी। और ये जनाब इन आर्टिस्ट के हवाले से हमने आपसे शो किया, और ये फलों और सब्जी पे मुख्तलिफ तरह के फन पारे बनाते हैं। जी जनाब, ये तो हमने आपको दुनिया भर के आर्टिस्ट के हवाले से बता दिया। जनाब आज हम योगा के हवाले से डेफिनेटली जिक्र करेंगे और उसके हवाले से डिस्कशन भी करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योगा जिनका क्योर है, और थोड़ा स्लो है लेकिन एट द एंड इसका क्योर है। आज हम एडिक्शन को एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट कैसे करते हैं, और जो भी आपके पेन्स हैं उनको किस तरह से आप रिलीफ हासिल करने के लिए योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, योगा करके उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं, ये हमें बताएंगी सलाफे नकवी। वेलकम टू द शो सलाफे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? प्लेजर टू हैव यू। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और दूसरा, यहाँ आकर वैसे भी मूड ठीक हो जाता है। अच्छा? इंसान लो फील कर रहा हो ना, एनर्जी बहुत मैटर करती है। अरे हाँ, वैसे ये बात है, और एनर्जी हमें योगा से भी मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। और आज का जो टॉपिक है काफी, मुझे खुद जैसे कहते हैं वो काफी कैची लग रहा था, एडिक्शन। लोग ये पूछते हैं ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज से एडिक्शन जाती है, हमें आदत है, अगर चेन स्मोकर हैं कोई लोग या अल्कोहल कुछ भी। पहले इसको एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, हैबिट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हैबिट वो चीज़ है जो कि एक आपकी एक अच्छी आदत है। अगर नेगेटिव साइड पे चीज़ चलती जाती है, ऑब्सेशन है, तो वो एडिक्शन हो जाएगी। अब होता है इसमें क्या है कि आपको जब जो जिन लोगों को किसी चीज़ की एडिक्शन हो उनको ट्रिगर लगता है किसी ना किसी चीज़ का, उसमें होता है जैसे वो स्ट्रेस में आए और उसके बाद उनका दिल होगा कि कोई ना कोई चीज़ वो इस्तेमाल करें। लाइफ में हर कोई फेज से गुजरता है, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, मैं भी गुजरी। मेरे पास एज ये था कि मैं वर्कआउट की तरफ चली गई। अब बात आती है कि इसमें सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ एक बता देते हैं, वो ये होगी प्रेशर पॉइंट। जब भी आप किसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं तो उसके लिए आपने क्या यूज करना होगा। क्रेविंग किसी भी तरह की हो सकती है, क्रेविंग किसी तरह की भी हो सकती है, क्योंकि उसमें अब जो ये जो स्मोकिंग है, अल्कोहल कुछ भी, ये आपके ब्लड में शामिल होता है। इनकी थेरेपी जरूर होती है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ देखनी होती है कि वर्कआउट कैसे वर्क कर रहा है। हम थोड़ी सी थेरी इसमें बोल देते हैं, वो इस तरह होगा
कि जो आपका हैप्पीनेस का हार्मोन होता है, चाहे वो सेरोटोनिन हो या एंडोर्फिन हो, वो रिलीज होगा जब आप वर्कआउट करेंगे या योगा कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसका आपको ये फ़ायदा होता है। जब वो रिलीज़ हो रहा है और आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, तो तब आपको उस चीज़ के, आप उस चीज़ के लिए क्रेव नहीं करते कि आपको अपना स्ट्रेस या अकेलापन या किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए आपको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन नंबर वन, चाहे योगा हो कुछ भी हो, नंबर वन एक पॉइंट ज़रूर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हर चीज़ जिसके लिए आप इरादा रखते हैं ना उसको छोड़ने का, तब आप छोड़ सकते हैं। अगर इरादा नहीं होगा तो होनी चाहिए, और नीयतें आपकी अच्छी हो, क्योंकि नीयत या ये चीज़ जो इमोशंस, हैबिट्स, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है जो 90% आपको डील करता है। तो अगर लड़ाई हो कॉन्शियस माइंड की सबकॉन्शियस की ना, तो सबकॉन्शियस जीतेगा। इसलिए नीयत अच्छी होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आप छोड़ना चाहते हैं। जी, तो इसमें प्रेशर पॉइंट जो है वो आप अगर 3 फिंगर्स यहाँ रख कर देख लें अपनी जो रिस्ट से, इससे पीछे यहाँ पर आप फील करोगे कि ये दो आपको फील होंगी यहाँ पे वेन टाइप, राइट, उसमें जो आपके राइट साइड पर होती है उसको आपने प्रेस करना है, चाहे आप अपने थंब से करेंगे या इंडेक्स फिंगर से। यस, यहाँ आप फील करोगे कि ये, इसको अगर फील करो तो ये आपको 2 सेक्शंस लगेंगे इस साइड पर आपकी वेन्स के, राइट, उसमें जो राइट साइड वाला है, राइट साइड, ठीक है, उसको आपने प्रेस करना शुरू कर दिया 30 सेकंड के लिए। ये आप टैप नहीं सिर्फ करोगे, आपको इसको प्रेस रखोगे, उसके बाद 30 सेकंड के बाद इसको रिलीज कर दें। उसके बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि जो वो क्रेविंग आपकी बॉडी आपको बता रही थी ना कि क्रेविंग हो रही है मुझे इस चीज की, वो, और दूसरा एक वैसे चॉकलेट की क्रेविंग बहुत एक, अच्छा, चॉकलेट वालों के लिए और ज्यादा आसान जो हम पहले EFT बताते हैं, वो कराटे चॉप आपका डोमिनेंट हैंड, इसके नीचे जो आपकी लाइफ लाइन होती है इससे नीचे आपने कराटे चॉप इसको कहते हैं, आप उसको टैप करना शुरू कर दे जिनको चॉकलेट की क्रेविंग नहीं होगी। लेकिन अगर बंद करना चाहेंगे तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे अर्मला की बात से लगा कि बंद करना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है जो एडिक्शन को खत्म कर सकती है, क्या होगा इसमें ऐसा, तो हम उधर चल के आप बिल्कुल उधर चलते हैं और हम इसको, इसमें क्या होगा, हर वो एक्सरसाइज जो आप में बैलेंस लेकर आए, हर वो एक्सरसाइज जो आपको सुकून दे, जो आपको पीस दे ना, हम वही ढूंढ रहे होते हैं, सबसे ज्यादा इनर पीस नहीं है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, अब आसान है, इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अपनी एक लेग को रेज करेंगे, सिर्फ फोकस होगा इसके अंदर, सिर्फ फोकस है कि आप अपनी लेग रेज करते हो, आप बेशक अपनी आंखें लेकर शुरू में बंद नहीं होंगी, वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, यहां तक रेज की। अब आपने देखा कि आपने इसको लिफ्ट किया हुआ है नीचे थोड़ी देर बाद, इस पर आप फोकस रखेंगे तकरीबन 30 सेकंड, उसके बाद लेग आप अपनी जो स्विच कर लोगे। अब लोग कहेंगे कि ये किस तरह हो रहा है, हम ये कर रहे हैं कि आपके थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करें कि आपका फोकस किसी और चीज की तरफ हो, आप फिजिकल एक्टिविटी में तो आप इन्वॉल्व हो। अब रिलैक्स होने की जहां तक बात आती है, जब आपको क्रेविंग होना शुरू हो, उसके अलावा भी आप इन आसन को प्रैक्टिस से पाम ट्री पोज कहते हैं, अपनी टोज को आप उठाएंगे, साथ ही आपको रिलीफ भी मिलेगा अगर आपकी काव्स में पेन है तो। आपने ये उठाया, अब यहाँ आकर आपने होल्ड किया 1, 2, 3 कितने भी सेकंड जो आपको इजी लगता है, और जब आपने रिलीज किया तो आप एक्सहेल करेंगे, वहीं से आप इसको कंटिन्यू करोगे, इनहेल एंड एक्सहेल। एक चीज जिसको ब्रीदिंग के जरिए किस तरह होता है, अब ब्रीदिंग से पहले एक और चीज बताना बहुत अहम है कि आप अगर अपने, इसको हम मास्टर एरिया कहते हैं, अगर इसकी एक्सरसाइज या जो आपका यहाँ एनर्जी सेंटर होता है जिसे सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, उसके बारे में अगर आप फोकस करते हो उस पर, तो आपकी ये चीज़ क्योर होना शुरू हो जाती है। कैसे कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको कलर से डिनोट किया जाता है येलो, ठीक है, आप मेडिटेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो येलो कलर के बारे में सोचें ताकि ये एरिया आपका हील हो, और आपके जो जितनी भी बीमारियाँ या कुछ भी होता है वो साइकोसोमेटिक होती हैं 80%, तो इसलिए इससे फर्क पड़ेगा इस पर। इनहेल किया, एक्सहेल। अब जब आप ये मेडिटेशन करें, इसमें फर्क क्यों होगा, इसे इमेजिनरी कहते हैं, इसके अंदर आप येलो कलर के बारे में सोच रहे हैं, या आप यहाँ येलो कलर सोच लो या वैसे येलो कलर के बारे में इमेजिन कर लो। अब बात ये सारी आप जो आसन बता रही है, ये योगा वो जो एडिक्शन है उसके लिए बता, उसके लिए बता रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो शिफ्ट होगा जब आप रिलैक्स होंगे, और तब एंडोर्फिन रिलीज होगा, और उससे आपको जो स्ट्रेस की वजह से जो ट्रिगर लगता है कि आपको फला फला चीज चाहिए, तो वो चीज कम होना शुरू होगी। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अब एक यहाँ बॉल क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ बॉल इसलिए पड़ा हुआ है कि हम आपस में क्वेश्चन करते हैं, बहुत मुश्किल है, क्या इतनी स्ट्रेच नहीं होती किसी में, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ यूज कर सकते हो, आपने अपने हाथ लॉक किए पीछे, स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल आप नीचे तक अगर नहीं जा सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज रखी, आपको पता कि आपका लेवल कहाँ तक जा रहा है। यहाँ अब करना क्या है, उससे नीचे चला जाता है, लेकिन ये ट्राई कि आप अपने जो हाथ है उनको रेज करें और यहां रहें,
कितने देर? अब आपने 30 सेकेंड यहाँ रहे लेकिन बिगिनर 15 सेकेंड रहेंगे, जाहिर है मुझे तो लग रहा है मैं 5-6 किनारे। हाँ, ये रहने के बाद उसके बाद रिलैक्स। याद रखे जिस चीज में भी आप अपने आप को इतना ज्यादा स्टिफ रखते हो ना, तो उसके बाद अपने जो बाजू हैं या जो भी नीज की ऐसी कोई एक्सरसाइज हो उसके बाद उसको मूव जरूर कर ले। अब साथ ही हम रिलीफ की बात करते हैं पेन। आजकल पेन ज्यादा मैं देखती हूँ, लोग कहते हैं या तो बैक पेन है। बैक का पेन क्यों है? क्योंकि अगर वेट ज्यादा है या कुछ भी है तो उसकी वजह से बैक पेन का प्रॉब्लम है। एक तो हम बताते हैं आपको आर्च बनाना, जो आप बहुत आसान होता है। उसमें क्या होगा आपको, अब इसमें यह होगा कि अगर किसी ने योगा प्रैक्टिस नहीं भी किया हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ अब खड़े हुए अपनी जगह पे, यहाँ आप झुके, झुकने के बाद मतलब बैक आपकी स्ट्रेट होगी, आपने वॉक की, आप इसी तरह याद रखेंगे इसको, आपने वॉक की अपने हाथों से, जब वॉक करते हुए आप वापस आए, आपने इनहेल किया, इनहेल, अब यहाँ हाथ रखा, जैसे नॉर्मली कहीं दफा हम खड़े भी होते हैं, आपने यहाँ हाथ रखा, अब आपने आर्च बनाई कमर के लिए। सही, ज्यादा आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे लेकिन आपने आर्च बनाई। जिनको बैक पेन, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उनके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप, आपकी जो बैक है उसकी रोटेशन काफी जरूरी है कि वो मूव करे। अब जितने लोग हैं ज्यादातर जिनको बैक पेन होता है, शाटिका तो है लेकिन ओबेसिटी बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करती है, लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ा भी शुरू में पीछे जा सके, जैसे लाइक अब इतनी आर्च बनाने की जरूरत नहीं है, ये डेंजरस होगा, तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है कि आपका जो ये पॉस्चर है इससे थोड़ा सा आप मूव करें पीछे को, बस। उसके बाद उन लोगों को जिनको बैक का इस एरिया में कहीं पेन या कोई इश्यू है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको रोटेट कर लें और बहुत स्लो करें। मैं कहती हूँ कि बहुत लोग एग्रेसिव होकर एक चीज करते हैं, शायद जल्दी करेंगे ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। हमें लगता है कि वो जल्दी से किया तो हम जल्दी से पतले हो, ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता उससे, नहीं हो सकता। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच सुलाफे कि सुबह सुबह आपने योगा की इतनी जबरदस्त बातें बता दी। जनाब उम्मीद करें कि आपको ये सारी चीजें जो काम आएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस हम कोशिश करते हैं कि आपको दें आपकी हेल्थ के हवाले से। योगा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का जरूर हिस्सा बनाएं, हेल्दी रहें, फिट रहें। और हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।